प्रकार के रस, पहला है पार्थिव रस, दूसरा है स्वर्गिक रस। पार्थिव रस होता है संसार के धरातल पर जो प्रेम है, जिसे प्रेम का नाम दिया है, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, है ना। एक पिक्चर में तो डायलॉग थे अलग अलग भाषा में, कई सारे ना भाषा में बोला गया था, अमी तुमा के प्रेम करू छू और आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत सारे भाषाओं में लोगों को बॉलीवुड शिक्षा देता है कि बोल सकते हो, लेकिन ये जितना भी बोला जाता है, जितना भी होता है, ये सब पार्थिव रस है, सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है। लोग गुरुजी को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो, और गुरुजी की निंदा शुरू कर दे सकते हैं अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो। तो पार्थिव रस के कारण संसार में रिश्ते भंग हो जाते हैं, चलते नहीं है। बोले बस आपको और मेरा रिश्ता यहीं तक था, आगे क्यों नहीं है, अटूट है ना प्रेम, तो ये टूट कैसे गया, क्योंकि ये पार्थिव रस था, सेल्फ इंटरेस्ट पर था, बॉडीली इंटरेस्ट पर था, मुझको क्या मिलेगा, मैं कैसे खुश रहूंगा, इन कारणों से इसको कहते हैं पार्थिव रस। इस पृथ्वी का रस, शरीर का रस, इस पार्थिव शरीर का रस, इस पंच भौतिक शरीर का रस। बोलते हैं तुम मुझे खुजली करो तो मैं तुम्हें खुजली करूंगा, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तुम मुझे भी खुजली नहीं कर सकते तो मैं तेरी, आप करके देख लो किसी को, आप तारीफ करो, आप बहुत अच्छे, अरे नहीं जी आप बहुत अच्छे, नहीं नहीं हम में कहाँ कोई गुणहर है जी, हम में कहाँ गुण है जी, दोनों बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, अचानक से आप बोलने लगो, वैसे एक बात है आप में सच में गुण है नहीं, तो बोलेगा तुझे ज्यादा दिखता है, तेरे जैसे हजारों आए हजारों चले गए, वो कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया, क्योंकि ये पार्थिव रस पर था, तू मेरी तारीफ कर तो मैं तेरी तारीफ करूंगा। दूसरा होता है स्वर्गिक रस। स्वर्गिक रस में होता है कि देखो बच्चों के कारण मैं इस घर में रह रही हूं, वरना मैं छोड़ करके चली जाती। तो सोशल इंटरेस्ट के कारण सामाजिक दायरों में रिश्तों को भारत में विशेष करके फोर्सफुली चलाया जाता है, और अन्य देशों में अमेरिका वगैरह में लोग सेपरेट हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, उसका कारण है क्योंकि वहां पर स्वर्गिक रस भी नहीं चाहिए उनको, सोशल इंटरेस्ट भी नहीं है, जब पार्थिव रस पर ही जीवन चल रहा है। एक आदमी 3 शादी कर लेगा तो क्या प्रॉब्लम, बोले देन व्हाट, शी इज नॉट फुलफिलिंग माय डिजायर्स, देन ब्रेकअप खत्म। तो ये पार्थिव रस पर ही संसार है, स्वर्गिक रस पर भारत में चल रहा था पहले, अब वो भी खत्म होता जा रहा है कि समाज के दायरे में हमें रिश्ते लगा के रखने, कहीं लोग फिर बोलेंगे तुम्हारा डाइवोर्स हो गया। तो इसलिए स्वर्गिक रस के कारण लोग रिश्तों को सोशल इंटरेस्ट में, कल को किसी ने बोल दिया, कल को किसी ने फेसबुक पर डाल दिया, तो आदमी बंधा हुआ है, डर के चलता है, शर्म लिहाज लज्जा, इसके कारण व्यक्ति अपने रिश्तों को चाहे अच्छा लगे बुरा लगे उसको फोर्सफुली चलाता रहता है, स्वर्गिक रस। लेकिन असली रिश्ता चलता है वैकुंठ रस के कारण। वैकुंठ रस, जिस रस में केंद्र में भगवान होते हैं और हर व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीता है। जब पति पत्नी में झगड़ा भी हो वो इसलिए रहते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, वो इसलिए रहते हैं कृष्ण क्या कहेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, कि हम दो आत्माएं भगवान की सेवा के लिए उन्होंने जोड़ी थी और झगड़ रही हैं। ये सोच करके जो जीवन जीते हैं कृष्ण को सोच करके, वो हैं असलियत में कौन, वैकुंठ रस की प्राप्ति करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.